सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां 45 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब महिला का पति घर में नहीं था। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ 2 महीने पहले काम करने यहां पर आई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को आशंका यह है कि महिला की हत्या से पहले उसके साथ रेप करने की भी कोशिश की गई थी। तो देहरादून से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं, जहां 45 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले रेप करने की भी कोशिश इस महिला के साथ की गई है। वारदात उस वक्त हुई जब महिला घर में अकेली थी। तो हत्या से पहले रेप की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। हालांकि लगातार जांच भी पुलिस इस मामले में कर रही है। वारदात उस वक्त हुई जब महिला घर में अकेली थी। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, इसकी तहकीकात फिलहाल पुलिस कर रही है। 45 वर्षीय इस महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला घर में अकेली थी और इसी वक्त किसी शख्स ने इस महिला का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। और आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि हत्या के पहले उसके साथ रेप करने की भी कोशिश हुई है। और जी मीडिया संवाददाता मयंक राय हमारे साथ जुड़ गए। मयंक, पूरा मामला बताएं। ये केशर नाम की महिला है, तकरीबन 45 साल की उम्र है और पनास वैली देहरादून की सबसे पॉश कॉलोनी कही जाती है। काफी हाई प्रोफाइल कॉलोनी है ये। इस कॉलोनी का जो बैक हिस्सा है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी। और ये महिला अपने पति के साथ यहाँ पे मजदूरी कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास इसका पति शौच के लिए घर से बाहर गया था जी। इस दौरान कुछ लोग आते हैं, उनकी संख्या 3 से 4 बताई गई है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है जी। कि 3-4 लोग आए हैं, उसके बाद उनको कुछ लोगों ने भागते हुए भी देखा है। जब तक पति वापस आया, पत्नी की हत्या हो चुकी थी। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तथ्य के आधार से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जी। मयंक, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं जिन्होंने भागते हुए इन लोगों को देखा है, लोग किस तरह के थे? क्या वो भी मजदूरी करने यहाँ पर आए थे या फिर कुछ और युवक है? जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी पुलिस से मिली है, दरअसल आज काफी वीआईपी मूवमेंट है देहरादून और हरिद्वार में जी। तो मैक्सिमम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो जिले से बाहर हैं या फिर व्यस्त हैं। जो फोन पे हमारी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं वो आसपास के ही लोग इसमें अभी तक संभावना जाहिर की जा रही कि वो शामिल है इस वारदात को अंजाम देने में। और उनको अच्छी तरह से ये पता था कि ये महिला इस वक्त घर के अंदर अकेले मौजूद है, यानी तो कोई लगातार उस पर निगाह रखा हुआ था। और जिस तरह की बातें आ रही हैं, पुलिस अभी रेप की संभावना से भी इंकार नहीं कर रही है, क्योंकि 3-4 लोगों का घर के अंदर घुसना और उसके बाद महिला की गला रेत से जो हत्या की गई, यही कहा जा रहा है कि संभवतः महिला बिल्कुल। और ये भी आश्चर्यजनक है कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, क्यों इसकी हत्या की गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मयंक तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस तहकीकात अभी कर रही है, क्या वजह है, किस वजह से इस महिला की हत्या की गई है, इसके बारे में पुलिस सुराग ढूंढ रही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे। समारोह के आयोजन को लेकर एम्स प्रशासन 2 दिन पहले से तैयारियों में जुटा हुआ था। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। दरअसल इस समारोह में राष्ट्रपति के हाथों MBBS और नर्सिंग के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जानी है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही इस दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग और पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से हरिद्वार में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्ञान कुंभ का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। ज्ञान कुंभ के आयोजन का मकसद उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार और भविष्य की चुनौतियों का समाधान तलाशना है। वहीं आयोजन में 18 राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा सचिवों के अलावा 131 विश्वविद्यालयों के कुलपति शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने भी कहा कि कोई भी छात्र शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा देने से साथ साथ संस्कारों के बीज बोना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए ज्ञान कुंभ में से जरूर कोई रास्ता निकलेगा। सीएम ने भरोसा जताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी पहल होगी। यूपी के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने भी ज्ञान कुंभ में शिरकत की। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, शिक्षक, प्रबंधन
तथा विद्यार्थी। विद्यार्थी की भूमिका तो सामान्य होती है, उसे तो केवल शिक्षा ग्रहण करना होता है, लेकिन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन तंत्र से जुड़े हुए लोगों और शिक्षकों पर अधिक होती है। हरिद्वार में कुंभ तो होता रहा है, लेकिन आज ज्ञान कुंभ है। ज्ञान एक ऐसा आधार है जिससे रक्षा के संबंध में, जिससे अर्थ के संबंध में और जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंध में दिशा परिवर्तन की पूरी संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर तमाम प्रदेशों के शिक्षा मंत्रीगण आए हैं। शिक्षा का परिवर्तन कैसे हो, अभी मेरा की नोट एड्रेस भी है थोड़ी देर में। और हमारा अभिमत यही है कि शिक्षा में नैतिकता का भाव जरूर होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी का केदारनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है। पीएम मोदी केदारनाथ धाम में हुए पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चल रहा काम पूरा हो चुका है, साथ ही घाटों और मंदिर के अहातों का भी काम पूरा हो गया है। सीएम ने कहा कि पीएम ने साधना करने वालों के लिए जिन गुफाओं के निर्माण के लिए कहा था उनमें दो गुफाओं का निर्माण हो गया है। इसके अलावा मंदिरों के मुख्य प्रवेश मार्ग के अलावा गरुड़ चट्टी आश्रम और पुलिया का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए सड़क और पैदल मार्ग बनकर तैयार हो गया है। सीएम ने कहा कि आचार संहिता की वजह से शिलान्यास नहीं हो पाएगा। आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है उसका काम शिलान्यास हम चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री करें, लेकिन आचार संहिता की वजह से उसका जो विधिवत शिलान्यास होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाएगा। तो प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के बीच मलिन बस्तियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर मलिन बस्तियों को लेकर आदेश दिया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने पहले भी प्रदेश की सभी नदियों के किनारे से 3 महीने में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके तहत 3 साल के भीतर इसके लिए ठोस प्रयास करने की बात कही थी। चुनावी माहौल में कांग्रेस मुद्दे को कैश कराने की कवायद कर रही है, वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को कांग्रेस को भुनाने नहीं देना चाहती। वहीं राज्य सरकार के सामने इसको लेकर स्थिति है। जहां पर नदी के किनारे वैसे भी दिक्कतें कभी न कभी हो जाती है, क्योंकि दैविक आपदा के तहत भी किसी भी जज्बे में आ सकते हैं, कभी जल भराव हो जाता है, ये परिस्थितियां होती है। इनको मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम ये सरकार का दायित्व है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें जितना कहती है वो करती भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाया था कि 3 साल के अंतराल में सबको आवास मुहैया करवाएंगे, और इसी के निमित्त हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम कर रही है। और वही हल्द्वानी में चुनावी मुद्दों को भुनाने में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने प्रचार किया। इंदिरा हृदेश के मुताबिक अगर जनता को विकास चाहिए तो जनता उनका साथ दे, क्योंकि जनता उनके कार्यकाल को समझती है। इंदिरा हृदेश ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार ने काम नहीं किया तो तीसरा इंजन कैसे और कहां काम करेगा, लिहाजा मेयर सीट के लिए लोगों के साथ उनके साथ आना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने कहा कि चुनाव में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे जनता के सामने होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपने आप को प्रबल दावेदार भी मान रहा है। और आइए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी हंस देंगे। जी हाँ, जसपुर में नगर निकाय चुनावों की कैंपेनिंग कर रहे यूकेडी के नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार उमर सिद्दीकी उस समय शर्म से पानी पानी हो गए जब सभा को संबोधित करने के दौरान उनकी पैंट उतर गई। हालांकि इस बीच उन्होंने कई बार एक हाथ से अपनी पैंट संभालने की कोशिश भी की, लेकिन यह पूरी घटना कैमरों की नजर से नहीं बच पाई। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। Thank you.
आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने 90 आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से बाहर करने का फैसला कर लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद आउटसोर्स के माध्यम से लगे कर्मचारियों में खासा रोष है। वहीं कर्मचारियों के प्रशासनिक भवन के गेट पर खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करवाया, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला वापस लेने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली के मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन का उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना मानवता के खिलाफ है। लेकिन हमारे जीवन में तो अंधेरा कर दिया इन लोगों ने। सब दीप जलाएंगे लेकिन हम किस तरीके से अपनी दिवाली मनाएं, क्योंकि हमें काम से बाहर निकाल दिया गया है। काम करते हुए तो 6-7 साल हो गए, पर यहाँ तो अब हटा के रखा है 31 तारीख से। अब बैठे हैं बेरोजगार हुए, ये भी दिवाली के टाइम पे त्योहार के टाइम पे ये तोहफा मिला है दिवाली का। रजिस्ट्रार साहब भी छुट्टी पे गए, अब बात करें तो किससे करें, मैडम भी छुट्टी पे जा रही है शायद या चली गई, अभी अंदर हम लोग गए नहीं। और हम 6 साल से लगे हुए होंगे और अचानक में इन्होंने हटा दिया हमें, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम, हमें पता भी नहीं रही है तुम लोग लगोगे या नहीं लगोगे। देहरादून में कांग्रेस ने समाचार प्लस चैनल के सीईओ के मामले में बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल बीजेपी नेताओं का उमेश के साथ प्रेम के कई मामले सामने आए थे। जी हां, पहले बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट का 2012 में लिखा खत सामने आया, वहीं अब पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद भगत सिंह कोश्यारी का पत्र भी सामने आ गया है, जिसमें उमेश शर्मा पर दर्ज केस वापस लेने की पैरवी की गई है। और इसे लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक, क्या अब बीजेपी बताएगी कि उमेश पहले गलत थे या अब गलत है? भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य के भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं सत्ताधारी दल के, जिस दल ने उमेश जय कुमार साहब को CISF की सुरक्षा प्रदान करी थी और वो भी लिख रहे हैं सीएम चिट्ठी। तो अब ये कालनेमी, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सारे पात्र तो बीजेपी के अंदर ही हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रही SIT को परेशानी होने लगी है। जी, SIT अब शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शिक्षा विभाग से कराने का प्रस्ताव बना रही है। दरअसल पिछले 5 सालों में भर्ती हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन किया था। SIT ने करीब 50 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर उन्हें फर्जी साबित किया, लेकिन हजारों शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करने में अब SIT को परेशानी होने लगी है। और अब ऐसे में प्रस्ताव तैयार करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इसका विरोध किया है। अरविंद पांडे के मुताबिक वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जब शिक्षा विभाग को ही प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी तो SIT जांच का क्या फायदा। मैं इसमें गृह विभाग से अधिकारियों से वार्ता करूंगा, और जो आज अखबार में बयान पड़ रहा था कि उन पर कार्य वर्णन बहुत ज्यादा है और इसलिए SIT नहीं विभाग करेगी, अगर जब विभाग नहीं करना होता तो ये सब पापी क्यों होता। मैं अभी भी आप बल्कि जाके जो गृह विभाग के सचिव हैं उनसे बात कीजिए, मैं ही बात करूंगा कि किसी कीमत पे भी विभाग जांच ना करके SIT ही करेगी, और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा, मैं पत्र भी लिखूंगा किसी कीमत पे भी। इस मामले में बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें SIT के अलावा कोई चीज स्वीकार नहीं है। देहरादून में यूनिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। DSO के मुताबिक अब राशन कार्ड का नंबर आधार कार्ड के जैसा होगा। देश में एक राशन कार्ड एक यूनिक नंबर होगा। DSO का कहना है कि इससे आधार कार्ड की डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी और एक राशन कार्ड नंबर होने से देश में कोई राशन कार्ड धारक किसी दूसरी जगह पर राशन कार्ड नहीं बनवा पाएगा। राशन कार्ड का नंबर 6 से बढ़ाकर 12 अंक का किया जा रहा है। जो हमारा नया सॉफ्टवेयर आया RCMS का, और भारत सरकार की ये गाइडलाइन है और ये हमारी उनकी मंशा भी है कि जो राशन कार्ड का नंबर हो यूनिक नंबर हो। यूनिक नंबर मतलब पूरे भारतवर्ष में एक ही नंबर हो, और एक बार वो राशन कार्ड बन जाए और उसके बाद वो अगर उसको कैंसिल करा के कहीं और माइग्रेट करे हिंदुस्तान के किसी कोने में, वो नंबर वही रहेगा, राशन कार्ड का एड्रेस और वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग। जिस तरह आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है उस तरह राशन कार्ड का नंबर भी यूनिक होगा। इसमें अपडेट IMPDS नया उसमें पोर्टल खुला है, उस पर काम शुरू हो गया है, और हमारे नंबर भी जो राशन कार्ड का नंबर पहले 6 डिजिट का होता था वो 12 डिजिट का कर दिया गया है।
वहीं देहरादून में त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता करने का दावा किया है। डीजीपी अनिल रतूड़ी के मुताबिक त्योहारों के वक्त लोगों को काफी परेशानी होती है और ऐसा ना हो इसलिए पुलिस बेहतर इंतजाम करने जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा जिससे जाम की समस्या ना हो, साथ ही लोग आसानी से यात्रा कर सकें। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के वक्त पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसके अलावा शहर में कई वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं, ऐसे में त्योहार में यातायात की समस्या बढ़ सकती है। इसको लेकर पुलिस प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने में जुटी हुई है। हमारा प्रयास है कि हम जनमानस को अच्छी यातायात व्यवस्था दें। इस दौरान धनतेरस विशेष तौर से काफ़ी भीड़ रहती है, लोग खरीदारी करते हैं, उसको देखते हुए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको यथासंभव अपने संसाधनों और जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बीच उनको अच्छे से अच्छी व्यवस्था दें। हमारा अनुरोध यही होगा कि पुलिस के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करें और अपने को अपने अलावा बाकी जो जनमानस है उनकी भी सुविधा का ध्यान रखें। हल्द्वानी में दीपावली के चलते बाजार गुलजार है। बाजारों में लोगों की उमड़ती भीड़ के चलते दुकानदार काफी खुश हैं। लोग तरह तरह के सामान खरीद रहे हैं। वहीं बाजार में एपन कला वाले उत्पादों की काफी डिमांड है। दीपावली से पहले धनतेरस को लेकर बर्तन और सराफा की कई दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ भी देखने को मिलने लगी है। लोग लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां खरीद रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस बार बाजार में सेल बढ़ी है, नए उत्पाद ग्राहकों को लुभा रहे हैं। हल्द्वानी के बाजार में दीपावली के मौके पर करीब 70 से 100 करोड़ का कारोबार होता है। बहुत मन मना कर आए हैं। अब साल में एक बार त्यौहार होता है तो बहुत इच्छाएं होती हैं कि हम ये भी करें वो भी करें। शॉपिंग बच्चों की होगी अपनी होगी। पब्लिक की रौनक स्टार्ट हो गई है। सैलरी आने में किसी किसी की सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, किसी की लास्ट में मिलती है। ये तो कहिए त्यौहार पहले स्टार्टिंग में है, इस वजह से चहल पहल तो है मार्केट के अंदर। ग्राहकों के साथ साथ व्यापारियों में भी भारी उत्साह है। हमने बहुत ज्यादा स्टॉक किया हुआ है, नई नई वैरायटी रखी गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट आई है। देहरादून में भी बारिश सर्दी का एहसास करा रही है। देहरादून के अलावा ऋषिकेश, उत्तरकाशी में भी बारिश हुई है। मसूरी और टिहरी में भी बारिश से मौसम सुहावना हुआ है, साथ ही ठंड में भी इजाफा हो गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है जिससे ठंड में भी काफी इजाफा हुआ। यमुनोत्री के अलावा गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से निचले इलाकों में तापमान काफी गिर गया है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। चार धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में यहां तेज बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है। पीएम मोदी का अगले हफ्ते केदारनाथ आने का कार्यक्रम है, ऐसे में मौसम की खराबी के चलते तैयारियों में दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी किस्मत के बाद हम यहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ और स्नोफॉल भी देखने को मिल गया यहाँ पे, तो ये कभी अनोखा अपॉर्चुनिटी होता है, किसी को मिलता नहीं है। तो हमारे दर्शन में पुलिस ने और जो भी विभाग है सबने बहुत अच्छा सहायता किया। जितने भी लोग हैं उनके लिए पुलिस ने बहुत अच्छी मदद वगैरह की है। जो भी लोग यहाँ बर्फ में फंसे हुए थे या थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम थी उनको वहाँ पे क्लियर किया। फिर यहाँ पे आके हमको पहली बार ये लगा कि 2013 के बाद यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये डर था कि पता नहीं कैसे अरेंजमेंट्स होंगे क्या होंगे, पर यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। कॉटेजेस अच्छे हैं, डॉर्मेट्री वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। खाने की चीज़ें भी अवेलेबल है, रोटी सब्जी दाल भी अच्छे से मिल गई इतने ऊंचाई पे। और मतलब यहाँ पर मेरे को लगा था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, वो सब भी कुछ नहीं हुआ। कुलदीप रावत जी जो अभी मेरे साथ हैं वो भी उन्होंने भी काफ़ी गाइडेंस दिया, यहाँ पे बताया क्या क्या है क्या नहीं। और वहीं पौड़ी गढ़वाल में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है। पौड़ी जिले के श्रीनगर, गढ़वाल, पौड़ी, लैंड्स, लाडाउन, कोटद्वार में सुबह से जमकर बारिश हुई जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई। हालांकि दिवाली से पहले हुई इस बारिश के बावजूद यहां का मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है। वहीं शनिवार को उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि मौसम का एकदम इस तरह का मिजाज हमने भी सुबह देखा जब उठे तो। वैसे इस समय थोड़ी देर से ही बारिश हुई है,
पहले तो सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाती थी और ठंड का मौसम एकदम आया है तो पहाड़ भी हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं और स्कूली बच्चों को भी सुबह बड़ी परेशानी हुई जाने में क्योंकि गर्म कपड़े अभी किसी ने निकाले नहीं है। मुख्य रूप से आज सुबह से ही जिस प्रकार से एकदम पे मौसम ने करवट ली है तो यहाँ पे एकदम पे काफी ठंडा सब लोगों को लग रहा है और कहीं ना कहीं पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ गिरी होगी जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ठंडा लग रहा है। तो मुख्य रूप से मौसम कभी भी कैसे करवट ले सकता है इसके बारे में बहुत स्पष्ट अब कहा नहीं जा सकता है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया। चमोली के बद्रीनाथ औली हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है जिससे तापमान में काफी गिरावट आ गई है। बर्फबारी से पर्यटन व्यवसायी काफी खुश हैं। उम्मीद है कि बर्फबारी से पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। औली अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बर्फबारी के बाद यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है जिसे देखने हजारों पर्यटक आते हैं। आपको सबसे पहले तो जो हमारे किसान लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि इस सीजन में बर्फ गिर रही है तो सर व्यवसायिक दृष्टि से हम देखें तो सभी होटल व्यवसाय के जो लोग हैं उनके चेहरे खिल चुके हैं इस बर्फबारी से और पूरी हमें आशा है कि ये बर्फबारी अगर लगातार होती है तो एक आध फीट बर्फ शाम तक गिर जाएगी। ज़्यादा ठंडा हो रहा है सर, जो टेम्परेचर सुबह से ही बिल्कुल जीरो पे है और बर्फ बहुत ज़्यादा हो रही है औली में। इस साल तो मुझे लग रहा था बहुत सबसे ज़्यादा बर्फ गिरेगी औली में। तो सुबह से जब बर्फ गिर रही है तो काफी ठंड है और अभी लगता है कि और गिरेगा तो ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और शहर में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। साथ ही इलाके में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। वहीं तापमान गिरने से बर्फबारी के आसार बढ़ गए हैं। मौसम का अचानक मिजाज बदलने से सैलानियों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।